श्री कृष्ण कहते हैं, कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीती है? उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान कभी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तुम्हें भेड़ बना देगी। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, और सच बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती।